चले मित्रों कथा को आगे बढ़ाते हैं जो कि बहुत ही रोचक है मम्मी बार बार हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बुला रही थी पर कृतिका बिना स्कूल ड्रेस चेंज किए ही अपने बिस्तर पर आकर लेट गई क्या पहले ही वो कम परेशान थी मैथ क्लास को लेकर अब यह नई मुसीबत क्या हो रहा है स्कूल में अनन्या का शक ठीक ही है मुझे उससे बात करनी ही होगी सोच कर वह निकल गई अपने रूम से अनन्या के घर जाने के लिए मम्मी आवाज देती रही पहले खा तो स्कूल ड्रेस भी चेंज नहीं की अब तक ट्यूशन में आज टेस्ट है अनन्या के घर जा रही हूं वहीं से ट्यूशन चली जाऊंगी कहते हुए कृतिका कापे किताब हाथ में पकड़े चल दी अनन्या के घर की तरफ और उसकी मम्मी सोचती रही खाकर तो जाती कम से कम पता नहीं इस लड़की का क्या करूं मैं मेरी बात ही नहीं मानती पढ़ाई का बोझ बढ़ रहा है और खाने पीने पर ध्यान नहीं रखती कितनी कमजोर होती जा रही है मेरी बिटिया उधर अनन्या के घर अरे कृति अभी स्कूल जाना है क्या तो स्कूल ड्रेस में इस समय आज रचना दीदी मैथ का टेस्ट लेने वाली है भूल गई क्या अनन्या कृतिका को पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहती है तो बहुत परेशान लग रही है यार सब ठीक तो है प्लीज अभी मेरे साथ चलेगी आधे घंटे में वापस आ जाएंगे ट्यूशन टाइम से पहले कृतिका एक एक घूंट में पानी पीकर कहती है कहा जाना है ये तो बता चलूंगी तेरे साथ जहां तू कहेगी जहान में भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी अच्छा बस पांच मिनट का समय दे कुछ खा लेती हूँ दीदी की आज एक्स्ट्रा क्लास थी तो वो आने वाली होंगी चल तब तक कुछ खा लेते हैं तुझे देख कर लग रहा है कि तूने भी कुछ नहीं खाया है मम्मी सुबह आलू के पराठे बनाकर रख गई है मैं गर्म करके लाती हूं और अनन्या खाने के बाद जैसे ही गेट से निकली अनन्या की बहन अपने कॉलेज से आ रही थी अनन्या और कृतिका को बाहर जाते देख पूछने लगी कहा चल दी दोनों सहेलियां अभी तुम्हारे ट्यूशन का टाइम तो नहीं हुआ और कृतिका तो लगता है स्कूल से सीधे तेरे पास ही आई है अनन्या की बहन मानसी बड़े गौर से दोनों को देख रही थी कुछ नहीं दीदी दी, बस जरा सैंपल पेपर खरीदने जा रहे हैं अनन्या ने कहा तो मानसी बड़बड़ाते हुए उसके हाथ से चाबी ले लिया थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अनन्या से रहा नहीं गया यार प्लीज कृति अब तो बताना कहाँ जाना है दीदी से झूठ बोल तो दिया पर वो तहकीकात करेगी जरूर हाँ तहकीकात करने ही चलना है डाब डी के उस मंदिर के आसपास के लोगों से बात करने पर शायद पता चल जाए कि माजरा क्या है रीना को इस मंदिर में अपनी सहेलियों के साथ आते हुए कई बार देखा था क्या राज है इस मंदिर का जानना जरूरी है तो ठीक कहती है इस मंदिर में कुछ तो गड़बड़ है बस स्टैंड पर खड़ी कृतिका और अनन्या मंदिर के रहस्य का पर्दाफाश करने की योजना बना रही थी यह वही कृतिका थी जिसमें मंदिर के नाम पर ही श्रद्धा भाव उमड़ आते पर आज उसे अपनी सहेली अनन्या की बात सच्ची लग रही थी अनन्या ने समझाया देख यार मैं जानती हूं तुझे मंदिर और देवी देवताओं पर बहुत विश्वास है लेकिन दुनिया में सभी अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग धर्म और धार्मिक स्थानों का गलत उपयोग भी करते हैं देख मुझे पहले से ही छक था नशेड़े बाबाओं को देख दोनों ने सोचा बस से अच्छा पैदल ही चलते हैं रास्ते पर बातें करते जल्दी ही वो मंदिर के पीछे खड़े थे मंदिर के द्वार पर अभी भी पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और कुछ पुलिसकर्मी गश्त लगा रहे थे अनन्या का ध्यान मंदिर के बनावट पर गया ये आम मंदिर की तरह नहीं था कुछ तो बहुत अजीब था मंदिर नाले के पास ही बना था आसपास की कई कलोनी का गंदा पानी इसे नाले से निकलता था बहुत तेज स्मेल से दोनों का सांस लेना मुश्किल हो रहा था अपने नाक मुख को रुमाल से ढके हुए दोनों ने ध्यान दिया कि मंदिर के पीछे कोई दरवाजा तो नहीं है लेकिन कुछ दूरी पर नाले के साथ साथ एक पतली सी गली है जहां से मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है दोनों उस मंदिर के तरफ बढ़ने लगे वहां पास में सब्जी मंडी थी एक सब्जी वाला जो वहीं गली के मोड़ पर बैठा था बड़ा ही अजीब सा लगा वह इधर उधर देख रहा था जैसा वह निगरानी कर रहा था आने जाने वालों पर कृतिका और बड़े ही हिम्मत से आगे बढ़ तो रही थी पर मन डर रहा था कृतिका आस पास सब्जी वाले से कभी किसी सब्जी का रेट पूछती तो कभी उनकी बातें ध्यान से सुनती एक सब्जी वाली दूसरी से कह रही थी मैं तो जानती थी उसका खेल ज्यादा दिन ना चलने वाला कब तक बचेगा वो कितना बच्ची सबको अपने हवस का शिकार बनाया और नशा का कारोबार सब भंडा फूटेगा उसका जरूर दूसरी कहती मेरे नंद को भी अपने चुंगल में पासने का पूरा कोशिश में था पर हम तो पहले ही समझ गए घर से निकलना ही बंद करवा दिए दिएकार अनन्या ध्यान से सबकी बातें सुन रही थी तब अपना आक्रोश दिखा रहे थे वहां के सभी ग्रामीण लोग गुस्से में थे बड़े से शहर में यह इलाका एक गांव ही था अनन्या ने अपने घड़े देखते हुए कहा यार बस अब पांच मिनट बाकी हैं ट्यूशन के लिए चल अभी चलते हैं कल फिर आएंगे दोनों तेज कदमों से वापस लौट रहे थे गली किनारे बैठा वो सब्जी वाला जो उन दोनों को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था कृतिका को उस पर ही संदेह हो रहा था हो ना हो यह आदमी जरूर उस समूह से जुड़ा है या ये कुछ खास जानता है आज तो कुछ तैयारी की ही नहीं क्या लिखेंगे टेस्ट में चल कोई नहीं हम अगर ये मंदिर के रहस्य का पर्दाफाश कर पाए तो कई मासूमों की जान बच जाएगी अब लगभग रोज और अलग था तो कभी कृतिका पहले पहुंच जाती तो कभी अनन्या दोनों वहां के छोटे से गांव में लोगों से जानने की कोशिश करते बहुत सारी जानकारियां उनको मिल गई थी एक सप्ताह बाद एक शाम को वो गैंग भी पकड़ा गया कृतिका और अनन्या की सूझबूझ से करीब छह लोग जिनमें से दो बिल्कुल बाबा जी के भेष में थे गैरवा वस्त्र धारण किए सफेद बाल और सफेद बड़े-बड़े दाढ़ी मूछ वाले और बाकी चार उनके चेले थे उस जगह लोगों को झाड़ फूक के नाम पर ठगा तो जाता ही था साथ में कम उम्र की लड़कियों का यौन शोषण भी किया जाता विभूत और प्रसाद के नाम पर नशीली दवाइयां दी जाती वहां ड्रग्स का कारोबार भी लुका छुपी चल रहा था टारगेट थी स्कूली बच्चियां बहुत से खुलासे हो रहे थे धीरे धीरे कई लड़कियां गायब हो गई थी गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज ना करवाई और अब धीरे धीरे सब अपने बच्चियों के बारे में बता रहे थे नाले की सफाई के बाद वहां से कई लाशें बरामद हुई कई तो पूरी तरह से सड़ चुकी थी उनको पहचानना मुश्किल था पर देख कर लग रहा था वो सभी लाशें तेरह से सत्रह साल की लड़कियों की थी कृतिका और अनन्या ने पुलिस की काफी मदद की वो सब्जी वाला जिस पर कृतिका को पहले दिन ही शक हो गया था उसी गैंग के छह लोगों में से एक था उसका पीछा करते हुए अनन्या और कृतिका एक दिन उनके अड्डे तक पहुंच गए फिर पुलिस को फोन कर उस जगह का पता बताया वो गिरा बहुत ही खतरनाक था। में आने से पहले हरियाणा, पंजाब, नेपाल, बिहार और कई जगह उनके कई लोग इसी तरह के धंधे करते थे धर्म और आस्था की आड़ में कम उम्र की लड़कियों को बहला फुसला कर देह व्यापार वालों को बेच दिया जाता था कुछ महीने तो उन बाबा जी का धंधा बहुत बढ़िया चला था यहां भी और उनका लालच बढ़ता गया कृतिका के स्कूल के आगे बच्चों के खाने के सामान के लिए एक बुढ़िया चारपाई बिछाकर उस पर टॉफी इमली संतरे चने चिप्स सब बेचा करती थी उसी का 12 साल का पोता दादी के बीमार पड़ने के बाद वहां बैठने लगा बस उस बच्चे को बहकावे में लाकर उसके सामान में नशीली दवाइयां मिलाने लगा था उन बाबा का एक चेला मकसद था कि जब बच्चियां नशे में होंगी तो उनके माँ बाप जादू टोना समझ उन्हें उस मंदिर में झाड़ फूक के लिए लाएंगे इस ग्रोव में कई औरतें भी साथ दे रही थी जो गांव के उस नए मंदिर के बाबाओं का प्रचार करती अपनी बातों में भोले भाले ग्रामीणों को फंसाती वो सब भी पकड़ी गई कृतिका और अनन्या की सूझबूझ से इस बीच पढ़ाई का नुकसान तो हो रहा था पर वो खुश थी उस मंदिर के रहस्य का पर्दाफाश करके बुरे कर्म करने वाले पुलिस की हिरासत में थे अभी कुछ और बाकी था जो कृतिका को परेशान कर रहा था कि आखिर सुषमा मैडम बिहारियों से क्यों नफरत करती हैं और उसके साथ क्यों इतना बुरा बर्ताव करती हैं गांव वालों ने उस मंदिर को तहस नहस कर दिया कृतिका बस के खिड़की के पास बैठी उस मंदिर की जगह टूटे फूटे संगमरमर ऐटे बालू मलबे को देख रही थी अनन्या उसी के साथ बैठी थी दोनों ही सहेलियों की एक हफ्ते की से इस मंदिर की असलियत सबके सामने आ गई कृतिका जब स्कूल पहुंची सब उसे बधाई दे रहे थे आज के अखबार की प्रमुख खबर थी डाबडी के एक मंदिर के रहस्य का उजागर किया दो बालिकाओं ने कृतिका और अनन्या की तस्वीर और उनके बहादुरी के बारे में लिखा था अखबार में उन सभी अपराधियों की तस्वीर भी छपी थी असेंबली टाइम में कृतिका की बहादुरी की प्रशंसा हो रही थी सुषमा मैडम ने उसे गले लगाकर कहा आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया सुषमा मैडम ने उसे गला लगाकर कहा आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया असेंबली के बाद आना मेरे पास मैं स्टाफ रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगी आज सुषमा मैडम बहुत प्यार से बात कर रही थी जब स्टाफ रूम में कृतिका तो सुषमा मैडम के पास गई तो उन्होंने अपने पास बिठाकर अपना वो राज बताया, जिस कारण बिहारी के नाम पर नफरत थी तेईस साल पहले कुछ ऐसा घटा था जिससे वो हर बिहारी से नफरत करने लगी थी तो सुषमा मैडम ने बताना शुरू किया जानती हो कृतिका तुम्हें तो हमेशा यही सवाल परेशान करता था ना कि मैं तुमसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हूँ मैं जब 11 साल की थी तो एक बार अपने माता पिता के साथ अपने गांव पंजाब में मेला घूमने गई थी वहां कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया था हमारे गांव में उन दिनों मेले में बिहार से और हरियाणा से आए कुछ लोग भी अपना ठेला लगाया करते थे वो पांच लोग मुझे एक सोनी जगह पर ले गए मेरे माता पिता मुझे ढूंढते हुए आए उन्हें देखकर बाकी चोर भाग गए बस एक आदमी जिसने मेरा हाथ मुंह बांध रखा था वही खड़ा रहा वो कोई और नहीं यही बाबा अखबार पर अपराधी की फोटो पर उंगली रख दिखाया पुलिस उसे तब पकड़ कर ले गई सभी कह रहे थे वो बिहार से आया था कुछ समय बाद ही वो जेल से भाग गया बस बचपन की वो घटना मेरे जहन में इस तरह समा गई है कि मैं उस दिन के बाद हर बिहारी से नफरत करने लगी मुझे माफ कर दो कहकर सुषमा मैडम ने दोनों हाथ जोड़ लिए मैं जानती हूं सब एक से नहीं होते ये आदमी तीस सालों से वेश और जगह बदलकर बच्चियों का शिकार कर रहा था तुम्हारी सूझबूझ ने उसका और उसके साथियों का खेल खत्म कर दिया उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें मिलेगा अब वो जेल से भागने की हिम्मत भी नहीं कर सकता यहां के ग्रामीण और देश की जनता उसे मार डालेगी कृतिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा मैडम प्लीज आप मेरे सामने हाथ ना जोड़ें, आप मेरी गुरु हैं एक बात तो सच है मैडम कोई इंसान बुरा हो सकता है उसका धर्म जाति उसका धर्म जाति जिससे वो संबंध रखता है बुरा नहीं हो सकता मैं आपके बहुत इज्जत करती हूं और हमेशा करती रहूंगी कृतिका ने मैडम के पैर छूकर प्रणाम किया उस दिन के बाद से सुषमा मैडम का व्यवहार सभी बच्चों के प्रति अच्छा हो गया कृतिका तो उनकी फेवरेट स्टूडेंट बन गई स्कूल के साथ वाले मंदिर से आती राम राम की धुन सुनकर सुषमा मैडम ने कृतिका से कहा क्या इस मंदिर में भी कोई रहस्य छिपा है यहां भी जांच पड़ताल करनी है क्या तुमको हंसते हुए कृतिका ने कहा मैडम जैसा एक इंसान बुरा है तो पूरी दुनिया बुरी नहीं वैसा ही एक मंदिर के नाम पर गलत काम होता है तो सभी मंदिर और पुजारी खराब नहीं है अनन्या तभी कृतिका के स्कूल उससे मिलने आती है कृतिका अनन्या की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है मैडम का आइडिया तो अच्छा है अनन्या कान पकड़ती है ना बाबा बहुत कर ली हमने जासूसी फाइनल एग्जाम आने वाले हैं रिजल्ट गंदा आया तो बस निकाल दिए जाएंगे हम घर से कृतिका बहुत खुश थी अब उसे सुषमा मैडम से बिल्कुल डर नहीं लगता था मन लगा कर पढ़ती कोई भी डाउट होने पर मैडम उसे तुरंत समझा देती स्कूल के बाहर खाने पीने के ठेले वालों को अब बिल्कुल नहीं खड़े होने दिया जाता स्कूल में ही कैंटीन खुल गई थी जिसके निगरानी गुप्ता मैडम खुद करती नाले की सफाई अब हर हफ्ते होती गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नियमित स्कूल भेजने लगे सब शिक्षा का महत्व तो समझ गए थे झाड़ फूक जादू टोने पर अब कोई विश्वास न करता मंदिर के अंदर चल रहे सारे गलत कार्यों का पर्दाफाश होने और मंदिर के टूटने से डाबी गांव में खुशहाली वापस आ गई थी अब कोई बच्ची गायब न होती ना ना किसी किसी की की मौत हो रही थी कृतिका के स्कूल की पांच लड़कियों की मौत का कारण नशेले और जहरीले पदार्थ का शरीर में पाया जाना ही था दोस्तों आपको कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जय श्री राम भक्तों